हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा व्यू अब बेरिश हो गया है और हमें फॉल देखने को मिल सकता है, हो सकता है बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिले। सो अब एनालिसिस करते हैं आने वाले सेशन में कहाँ निफ्टी जा सकता है। सो बैंक निफ्टी आप देखो तो क्लीन एंड क्लियर ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है। एंड अगर आप देखो ये बड़ा रेड कैंडल बना रहा है, फिर एक दो इनसाइड कैंडल्स बना रहा है, फिर वापस फॉल आ रहा है। बड़ा रेड कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया, एक स्मॉल आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करता हूँ, एक इनसाइड कैंडल बनाया, वापस ये लो टूटेगा, वापस एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। शॉर्ट्स की तरफ आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे में कोई भी बाउंस बैक मिलता है या नेगेटिव सेटअप प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तब आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। गैपअप अगर ओपनिंग होता है तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी। निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है इफ यू कंपेयर विद बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे चुका है आप देख सकते हो, और 11,000 एक राउंड ऑफ नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। सो जैसे 11,000 लेवल टूटता है तो मुझे लगता है एक बड़ा फॉल, शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 11,000 एक साइकोलॉजिकल राउंड ऑफ नंबर है, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो 10,800 10,700 हमें इजिली देखने को मिल सकता है। सो इसमें भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी इंट्राडे में बाउंस मिलता है या गैप अप ओपनिंग होता है तो नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, और उसके बाद आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हीरो मोटो सेल दिया था, डेफिनेटली आप लोगों ने इसमें काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने आपको सेल दिया था 2690 के नीचे और ये 2646 तक जाके आया है, यानी ऑलमोस्ट 40 रुपीज डाउन था मैंने जिस लेवल से आपको सेल दिया था। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको HDFC लिमिटेड सेल दिया था, इसमें भी आपने डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। और मैंने एक और स्टॉक सेल दिया था जस्ट डायल, जस्ट डायल में सेल ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि मैंने 354 के नीचे सेल दिया था और ये 358 का लो बनाया है, तो इसमें सेल लेवल जो था वो ट्रिगर नहीं हुआ है। तो HDFC एंड हीरो मोटो डेफिनेटली आप लोगों ने इसमें पैसा बनाया होगा। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, ट्रेड किया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यस वी मेड सम प्रॉफिट इन HDFC एंड हीरो मोटो। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखो 2200 के राउंड ऑफ नंबर के आसपास है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें सेटअप समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। ये एक फॉल आया था, ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, वापस एक फॉल आया है, एक स्मॉल इनसाइड कैंडल बना है आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दू 2200 के नीचे, वापस एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, बट HUL काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो प्राइस एक्शन, एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसमें बहुत सारे बायर्स थे, लेकिन आप देखो ये तीन रेड कैंडल आ गए और ये पूरा का पूरा जो ब्रेकआउट था ये फेल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन करूँ, पूरा का पूरा ब्रेकआउट जो है फेल हो चुका है। अब मुझे लगता है यहाँ से 2900 तक आ सकता है ये, सो 100 रुपये का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है बजाज ऑटो में। सो यहाँ पे एक काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा IGL। IGL भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना, वो इसलिए ध्यान देना मैं आपको समझा देता हूँ। पैटर्न 400 के लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, हॉल्ट होता है, फॉल आया, फिर वापस हॉल्ट किया, फिर वापस फॉल आया, फिर वापस हॉल्ट ले रहा है। सो हायर चांसेस है ये पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ से IGL अगर 400 का लेवल टूटा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए काफी अच्छे शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा ये। सो IGL, बजाज ऑटो एंड HUL, ये तीनों काफी अच्छे शॉर्ट कैंडिडेट रहेंगे, इंट्राडे भी और पोजिशनल भी। सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड मैं आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरा चैनल कब से फॉलो कर रहे हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरा चैनल बाकी सारे चैनल से कंपेयर करो, बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, कई सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते हैं। मॉर्निंग 6:30 गुड हैबिट्स करके एक वीडियो बनाते हैं जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ते हैं खाली, आई डोंट नो उसका वीडियोस का लॉजिक क्या है। कुछ लोग आपको रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप के डील के ऊपर 10 वीडियोस बना देंगे, कुछ लोग आपको IPO रिलेटेड 10 वीडियोस बना देंगे। सो ये सब वीडियोस आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये 10 बार भी देखोगे ना तो भी आपको रुपी टर्म्स में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे वीडियोस देखने से आपको जेन्युइनली रुपी टर्म्स में प्रॉफिट आ रहा है क्या,
ठीक है। सो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप मेरा चैनल कब से फॉलो कर रहे हो और मेरा वीडियोस देखने के बाद आपको जेन्युइनली रुपी टर्म्स में प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।